नमस्कार, मैं गुरु हिसार और आप देख रहे हो हरियाणा समाचार। तो भाई इस वक्त एक बार फिर आ चुके हैं हिसार के लघु सचिवालय के आगे और यहाँ पर कुछ व्यक्ति मौजूद है, पांच या सात व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर डीओ को ज्ञापन सौंपने आए हैं। वो इनकी अकेले की मांग नहीं है, पूरे हरियाणा के लोगों की मांग है। तो वो फिलहाल उन्होंने डीओ को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं और खबर को, वीडियो को खुलकर शेयर करें, खुलकर कमेंट करें। एक बार हम इन व्यक्तियों से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। आज सर आप डीओ से मिल के आए हैं, क्या आपकी कारण मांगे हैं जिनकी वजह से आपको उनसे मिलना पड़ा? आज सर्व कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेके पूरे प्रदेश में तमाम विभागों में गेट मीटिंगें की हैं और अपने विभागों के अधिकारियों को पुरानी पेंशन के लिए अपना ज्ञापन दिया है। उसी मुहिम में हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन है जो तमाम विभागों में क्लर्क काम करते हैं, मैं उसका राज्य महासचिव हूँ। हमने भी सर्व कर्मचारी संघ के फैसले के साथ साथ एक फैसला और लिया। हम वर्षों से अपने वेतनमान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2011 से हमने पंजाब के समान वेतनमान की लड़ाई लड़ी है। 477 दिन धरना चलाया और उस धरने में 25 अगस्त 2014 को पूर्व की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट में फैसला पास हुआ, जिस फैसले को बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही उसको रिव्यू में डाल दिया, समीक्षा का नाम लेके ने। और आज तक मिनिस्ट्रियल स्टाफ तमाम अपने आंदोलनों से, प्रदर्शनों से सरकार को जताता रहा है कि ये हमारा जो पंजाब के समान वेतनमान था वो 7th पे कमीशन में पे लेवल मैट्रिक 6 में 35,400 वेतन बनता है लिपिक का फ्रेश, वो हमारा लागू किया जाए कैबिनेट के फैसले के अनुसार। उसी मुहिम में हमने ये पेंशन वाले के साथ साथ मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। उस ज्ञापन में हमने ये 35,400 का ज्ञापन दिया है जिला शिक्षा अधिकारी को। जो आप ये वेतन की बात कर रहे हैं, मुद्दा तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आप 2011 की बात कर रहे हैं, 2023 मतलब 13 साल हो चुके हैं, अभी तक भी अटका हुआ है, क्या कारण मानते हैं? लगभग दो सरकारें बदल चुकी इसमें, अभी तक ये इसलिए अटका हुआ है कि जब हम ये आंदोलन कर रहे थे पूर्व की कांग्रेस सरकार में, तमाम बीजेपी के जो अध्यक्ष भी थे उस टाइम प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, इनके विधायक विपक्ष दल के नेता थे अनिल विज जी, तमाम इन्होंने आवाज़ उठाई और हमारे घोषणा पत्र में भी इन्होंने पंजाब के समान वेतनमान का जिक्र किया कि हम आते ही लागू किए करेंगे। और जब ये आए तो इन्होंने हमारा तो समीक्षा में डाल दिया, स्वयं एक बार मेज़ थपथपा के विधानसभा में इन्होंने पंजाब के समान वेतनमान लागू किया इसी बीजेपी सरकार ने, खुद अपने विधायक मंत्रियों का, और दूसरी बार पंजाब से भी ज़्यादा मेज़ थपथपा के वहाँ लागू किया। लेकिन कर्मचारियों को देने की जब बात आती है तो पीछे मुकर जाते हैं। हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि आज हमने ये जो ज्ञापन दिया है, हम इसमें निर्णायक आंदोलन करेंगे। आने वाली 21 मई को हम मुख्यमंत्री निवास स्थान करनाल पर एक प्रदर्शन करके हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे 35,400 के वेतन को लेके। और वहीं से हम अगर हम आस रखते हैं बातचीत के माध्यम से कि हमारा ये जो कैबिनेट का फैसला है वो लागू करे, पास करे और विधिवत रूप से हमारे लिपिकों को 35,400 वेतन मिले, अगर फिर भी लागू नहीं करते तो हम 21 तारीख वाले प्रदर्शन में अगले आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे और निर्णायक आंदोलन होंगे। हम आखिरी तक, मतलब जब तक ये नहीं लागू करते, हम उस निर्णायक आंदोलन में आखिरी हड़ताल तक करने मजबूर होंगे, वो सरकार की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। अभी डीओ को तो आपने ज्ञापन सौंप दिया है, आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देख चुके हैं, सरकार के हरियाणा सरकार के अंदर सीएम है मुख्यमंत्री जी, अभी तक आपकी भी वो भी मांगे नहीं मानी गई है, तो क्या लगता है डीओ को ज्ञापन देने से जो आप हिसार है इनकी मांगे मानी जाएंगी हिसार के लोग? ये हमारा एक चैनल था, हमने माध्यम लिया है डीओ को, ये ज्ञापन सीएम को गया है। अच्छा। क्योंकि हमने अपने विभागाध्यक्ष को, शिक्षा विभाग के बाबूओं दिया है, तमाम को जो डीसी के माध्यम से जाएगा वो सर्व कर्मचारी से देगा, उसमें पेंशन और 35,400 को लेकर। आपकी जो ये वीडियो है तमाम अधिकारी भी देख पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे कि सरकार समय रहते लिपिक के साथ जो वेतन में भेदभाव किया जा रहा है, शोषण हो रहा है हमारा वर्षों से, उसको शोषण को ख़त्म करते हुए हमारे लिपिक पर 35,400 वेतन लागू किया जाए। लागू नहीं किया तो हम कोई निर्णायक आंदोलन करेंगे और तमाम विभागाध्यक्षों से भी हमारी अपील है कि हमारी ये सिफारिश मुख्यमंत्री महोदय तक भेजें कि तमाम विभागों में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ कैडर काम करता है
वो तमाम टेक्निकल काम करता है जिसमें हमारा अधिकार बनता है, हमको भीख नहीं मांग रहे, ये अपने काम के एवज में हम वेतन मांग रहे हैं। ऐसा जी, लिपि के जो ये हरियाणा स्टेट की बैकबोन है और इस महंगाई को बढ़ते हुए देख के दौर में देख रहे हैं, तो हमारे लिपि की जो इनकम है ये सैलरी है बहुत ही ज़्यादा कम है। जो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जो मांग है उसको जल्दी पूरा किया जाए, जो 35,400 हमारी यही डिमांड है।